Hello, bachcho. Let's see this question. And the question says, consider the following four statements about a desert animal such as kangaroo rat. Select the correct statement. Option A, they have dark color and high rate of reproduction and excrete solid urine. Option B, they do not drink water, breathe at a slow rate to conserve water and have their body covered with thick hairs. Option C, they feed on dry seeds and do not require drinking water. Option D, they excrete very concentrated urine and use water to regulate their body temperature. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि चार स्टेटमेंट दिए गए हैं एक डेजर्ट एनिमल के बारे में जो कि है कैंगरू रैट, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कैंगरू रैट का कलर डार्क होता है और उनमें रिप्रोडक्टिव रेट हाई होता है और वो यूरिन सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. ऑप्शन बी दिया गया है कि वो पानी नहीं पीते, ब्रीथ भी करते हैं कम रेट पे ताकि वाटर कंजर्व हो और उनका बॉडी कवर होता है थिक हेयर से. ऑप्शन सी दिया गया है कि वो ड्राई सीड्स पर फीड करते हैं और वाटर को वो रिक्वायर नहीं करते हैं. और ऑप्शन डी दिया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं और पानी यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए. और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि कैसे डेजर्ट एनिमल कैंगरू रैट अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और कैसे वो वाटर कंजर्वेशन करता है. स्पेसिफिकली हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन इन कैंगरू रैट जो कि एक डेजर्ट एनिमल है. बॉडी फ्लूइड कंजर्व करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ अडेप्टेशंस जो कि खासकर पाए जाते हैं डेजर्ट एनिमल्स में, जैसे कि स्मॉल बॉडी साइज जो कि मिनिमाइज करता है सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया कम हो तो वाटर लॉस भी कम होता है. दूसरा है यूरिन जो कि प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें वाटर लॉस बहुत ही कम होता है. और तीसरा है कि वो जो खाना खाते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट उनमें ज्यादा होता है ताकि उनके मेटाबॉलिज्म से वाटर आ सके. और अगर हम कैंगरू रैट पे जाएं तो वो एक डेजर्ट एनिमल है, उनमें कई सारे अडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो वाटर कंजर्व कर सके. एक होता है कि वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज से होने की वजह से उनमें वाटर लॉस बहुत ही कम होता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है और वाटर लॉस एवेपोरेशन से बहुत ही कम होता है. दूसरा है वो जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इस वजह से वाटर लॉस जो कि यूरिनेशन से होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है. और तीसरा है कि वो जो फूड कंज्यूम करते हैं जो कि ड्राई सीड्स होता है वो रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में, इसी वजह से उनके ब्रेकडाउन में वाटर रिलीज होता है और इस वाटर से उनके बॉडी का वाटर नीड कंप्लीट हो जाता है और उन्हें सेपरेटली पानी पीना जरूरी नहीं होता और इस तरह से वो वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं और डेजर्ट में सरवाइव करते हैं. और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो फिर ऑप्शन सी दिया गया है कि वो ड्राई सीड्स पर फीड करते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है क्योंकि ड्राई सीड्स रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में और उन्हें
पानी पीना जरूरी नहीं होता। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में दिया गया है कि उनका कलर डार्क होता है, उनका हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता वाटर कंजर्वेशन से, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि वो पानी नहीं पीते हैं, ब्रीथ करते हैं स्लो रेट पर ताकि वाटर कंजर्व हो, और उनके बॉडी पर थिक हेयर होता है। बॉडी पर थिक हेयर होना एक कोल्ड एनवायरनमेंट पर सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन है, डेजर्ट पे नहीं। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं और पानी यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। वो पानी पीते ही नहीं है, वो पानी यूज नहीं करते बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।